इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, श्रोता बंधुओं और भक्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक रहस्यमयी वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी मैं एक रहस्यमयी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मण परशुराम जी संवाद जब हो रहा था तो उस समय एक चौपाई कही थी लक्ष्मण जी ने परशुराम से कि बहुधनुआ तोरई लड़काई असरिश कभू न कीन गुसाई। इस चौपाई का अर्थ बताऊंगा और इसके लिए जो कमेंट प्राप्त हुआ है वो कमेंट आया है सरस्वती देवी जी का। सरस्वती देवी जी लिखती हैं, पहले अपनी चौपाई लिखती हैं, बहुधनुआ तोरई लड़काई असरिश कभू न कीन गुसाई। गुरुजी बताने की कृपा करें कि लक्ष्मण जी किस बचपन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है सरस्वती देवी जी, आप यदि हमारा वीडियो देख रही हो तो ध्यान से सुने, हम आपके प्रश्न का आंसर लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। तो भक्तों, भगवान परशुराम जी श्री हरि विष्णु के अवतार अंशावतार थे, चार कला से पैदा थे और महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। जब सहस्त्राबाहु अर्जुन का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया और सहस्त्राबाहु अर्जुन ने ऋषि मुनि और सभी धर्मात्माओं को सताना आरंभ कर दिया और एक समय उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या करवा दी, तो भगवान परशुराम इससे बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और उस समय शंकर भगवान ने उनको एक दिव्यास्त्र दिया परशु और उसके सहित उनका नाम हुआ परशुराम। परशुराम नाम दिया गया था भगवान शंकर के द्वारा। शंकर भगवान ही परशुराम जी के गुरु थे और उस समय उन्होंने एक पिनाक नामक धनुष दिया था जो कि विश्वकर्मा द्वारा रचित है। विश्वकर्मा ने बनाया था वह धनुष और उस धनुष की सहायता से उन्होंने सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध किया था जो उन्हें अति प्रिय धनुष था। और वह धनुष भगवान परशुराम ने जनक जी के यहां धरोहर के रूप में रख दिया था। तो भगवान परशुराम ने उस सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध तो कर दिया परंतु इतने क्रोधित हो गए कि वो बार बार क्षत्रियों का संहार करते रहे और इसके लिए उन्होंने अनेकों अस्त्र शस्त्र जैसे विजय धनुष है और अन्य धनुष हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनका भंडारण प्रारंभ कर दिया, उनको इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और बहुत से विनाशक ब्रह्मास्त्र, देवास्त्र, इंद्रास्त्र जैसे अस्त्रों का संग्रहण करने लग गए, इकट्ठा करने लग गए। भगवान परशुराम द्वारा जब इतने अस्त्र शस्त्रों का संग्रहण हो गया, इकट्ठा कर लिया, तो माता पृथ्वी भी कंपायमान हो गई और सोचने लगी कि परशुराम जी के अस्त्र इतने विनाशक हैं कि ये किसी भी समय मुझे रसातल के लिए, रसातल को जाने के लिए विवश कर सकते हैं। प्रलयंकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र, देवास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे अस्त्र थे, बड़े ही दिव्य जो विश्वकर्मा द्वारा रचित और अन्य देवी देवताओं से प्राप्त थे। तो स्वयं पृथ्वी और अन्य देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के पास इस समस्या के समाधान हेतु गए। तो श्री हरि विष्णु ने इस पर विचार किया कि समस्या बहुत ही जटिल है और पृथ्वी माता बार बार ये कह रही थी कि मैं रसातल को जा सकती हूँ, मुझ पर इतने अस्त्रों का भार सहन नहीं हो रहा है और जो निर्दोष हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि पहले तो जो सहस्त्राबाहु अर्जुन थे दोषी थे, उनकी हत्या करना तो उचित था, परंतु जो निर्दोष क्षत्रियों की हत्या की जा रही है वो अनुचित है ये। और भगवान परशुराम का सामना कोई युद्ध में कर नहीं सकता क्योंकि उन्होंने यहां तक गजानन गणेश को भी नहीं छोड़ा, उनका भी एक दांत अपने परशु के प्रहार से काट दिया था। भक्तों, तो श्रीहरि विष्णु और अन्य देवगण
इस पर उन्होंने मंथन किया कि माता पृथ्वी को एक स्त्री का रूप बना करके और भगवान शेष को एक बालक का रूप बना करके, उनका पुत्र बना करके भगवान परशुराम के यहां भेजा जाए। तो जब ये योजना बन गई, जब माता पृथ्वी को और शेषनाग जी को दोनों को भेजा गया, तो पृथ्वी माता ने तो एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और भगवान शेषनाग ने एक सुंदर से बालक का रूप धारण कर लिया। परशुराम जी की एक विशेषता थी कि वो कभी भी छोटे बालक पर प्रहार नहीं करते थे और स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे, और पृथ्वी माता उनके आश्रम के नजदीक पहुंच करके रोने लगी, उनसे अनुनय विनय करने लगी। इस पर परशुराम जी बोले, हे देवी, आपके इतना दुखी होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी माता बोली, हे भगवान, मुझे मेरे इस पुत्र के कारण कहीं भी कोई रहने नहीं देता है। ये मेरा बालक उत्पाती स्वभाव का है और उत्पात मचाता रहता है, जिसकी वजह से मुझे कोई कहीं भी आराम से नहीं रहने देता और मैं जगह जगह भटकती फिर रही हूं। परशुराम जी महादानी भी थे, महान पराक्रमी भी थे और क्रोधी भी थे और भगवान श्रीहरि विष्णु के अवतार भी थे, तो उन्हें दया आ गई और वे बोले, हे देवी, आप मेरे आश्रम में रहिए, मैं आपके बालक की रक्षा करूंगा, कोई भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो माता पृथ्वी परशुराम के आश्रम में निवास करने लगी। जब भगवान परशुराम जी तपस्या करने जाते थे, तो लक्ष्मण जी उन अस्त्रों में से जो धनुष बाण उन्होंने तपस्या करने के बाद अर्जित किए थे बड़े बड़े देवी देवताओं से, उनको प्रतिदिन तोड़ने लगे। और जब परशुराम जी आकर उन्हें देखते, तो बालक समझ करके उनका क्रोध माफ कर देते थे। इस तरीके से शेषनाग जी ने उनके अधिकांश अस्त्रों को नष्ट कर डाला, सभी अस्त्र नष्ट हो गए। और उसमें मात्र कुछ गिने चुने अस्त्र ही बचे, जैसे विजय धनुष था और अन्य कुछ अस्त्र थे। जब भगवान परशुराम ने ये स्थिति देखी, तो भी वो उनको माफ करते रहे, उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो माता पृथ्वी को पहले ही वचन दे चुके थे। और जब समस्त विनाशक अस्त्रों का भगवान शेष ने अंत कर दिया, तो स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित होकर के माता पृथ्वी को उनके वहां से ले गए, और शेषनाग जी भी अपने मूल रूप में आकर के क्षीर सागर को चले गए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम के यहां उनके आश्रम में रहकर उनके विनाशक अस्त्रों का, उनके धनुषों का भंग किया था, नष्ट किया था, उनको तोड़ा था, उनके धनुषों को। तो उस समय की बात लक्ष्मण जी को याद थी, और जब धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने पिनाक नामक धनुष, जिससे परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु रावण अर्जुन का वध किया था, उसको नष्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया था, तो परशुराम जी ने महेंद्रगिर पर्वत पर अपने तपोबल के बल से देखा, तो वो जान गए कि ये पिनाक धनुष जो उन्हें सबसे प्रिय था और जिससे उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया था, उस धनुष को किसने तोड़ दिया। और वो मन की गति से चलते हुए तुरंत जनकपुर पहुंच गए। और जब लक्ष्मण और परशुराम में आपस में वाद विवाद होने लगा, तो लक्ष्मण जी उन्हें अपने पिछली कहानी सुनाकर कहने लगे कि बहु धनुआ तोरे लड़काई,
असरिस कहूं न कीन गुसाई कि मैंने आपके पहले बहुत ही धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने ऐसी रिस कभी भी नहीं की, इतना क्रोध कभी नहीं किया। तो इस धनुष पर क्या इतना मोह है, इसका क्या कारण है? तो इस की बात कर रहे थे लक्ष्मण जी भगवान परशुराम से। तो दोस्तों, भक्तों और सब्सक्राइबर बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।